गुड मॉर्निंग, ये है सुबह 10 बजे का नज़ारा मेरे घर के आसपास। वहाँ पे कौन है, वहाँ पे कौन है? अरे यहाँ पे तो मेरी कोलू है। एक्चुअली वो घास खा रही है, उनको जब फाइबर का ज़रूरत पड़ता है वो तब घास खाते हैं। सो अभी जब उसको हो जाता है तब वो इंडिकेट करती है। बांध के इसीलिए करते हैं कि आसपास अदर एनिमल्स हैं, शी में अटैक देम, इसलिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है 4th of October और मैं सुबह सुबह उठ के काम कर रही थी और आज ना बहुत नींद आ रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल रात को नींद अच्छे से हुआ नहीं। यहाँ पे सोने से क्या होता है, मैं यहाँ पे सोती नहीं हूँ ना, तो अपना बेड नहीं होने से जो होता है मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। एंड अभी नींद आ रहा है, मतलब ऐसा आँख नहीं खोल पा रही हूँ मैं। सो अभी तो काम ही कर रही हूँ सुबह 5:30 बजे से एकदम कंटिन्यूस, और अभी जाके ब्रेकफास्ट करने का सोची, तभी मैं देखती हूँ कि रोटी में चींटी लग गया है। सो शायद दीदी मुझे फिर से बना के देगी, मैंने मना किया है, ठीक है रहने दो। लेकिन नानी ने कहा दीदी को बना के देने के लिए। सो ये जो सारे पार्सल्स हैं ये सारे पूजा के हैं एंड एक दो मेरे होंगे, बट देखो एक बैग भर के आया है और अभी भी कुछ कुछ इसमें बाकी है जो कि कार में रखा है, छोटा भाई ला दिया है। कुछ कुछ मेरे हैं, कुछ कुछ पूजा के हैं, मोस्टली इसमें पूजा के हैं। पूजा के कल 11 पार्सल है, उसने भाई का एड्रेस पे दे दिया था। सो मैं सारे अभी पूजा का जो पार्सल्स है ये मैं अलग करूँगी और मेरे वाले अलग करूँगी, एंड मेरे वाले ओपन करके मैं इकट्ठा दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या खरीदा है ड्यूरिंग दिस सीज़न। कोलू और मैं मौसम का मज़ा उठाते हैं। मेरे कोला कोलू डांस करो। बादल बरसा बिजली, सावन को पानी, डांस करो। उसको बस पप्पी चाहिए। अभी मम्मी आ जाएगी, उसके बाद खाना खाएंगे, उस बीच में नहा लेती हूँ जल्दी जल्दी। अरे फेस में कोला का पूरा बाल है। खाने में क्या क्या है देख लेते हैं। खाने में है चावल, मम्मी ने बनाया है कद्दू तुरई और ये प्रॉन का करी, ये सम्राट को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है कोचू शाक, शायद इलिश माथा का मच्छी के साथ। और ये है प्रॉन का वड़ा, इसका मैं वीडियो दूंगी कुछ दिन में मेरे रेसिपी चैनल पे। ये मेरे लिए है इलिश माछ भाजा, कोकारू माछ भाजा, आई एम सो सॉरी, ये कोकारू माछ भाजा, माँ इलिश, इलिश कोकारू, अच्छा सॉरी, ये कोकारू मच्छी फ्राई, इलिश नजर आ रहा है हर जगह पे। ये कौन सा मच्छी है फिर पार्षा? ये इलिश है, ऐसा दिखता है इलिश, इलिश लंबा होता है ना। अयो ठीक है, ये है इलिश, ये है कोकारू, साथ में है दाल, मुझे पसंद नहीं है जो। और ये सुबह का थोड़ा बहुत भिंडी फ्राई बाकी है, वही है, चलो खाते हैं, यम्मी है। और साथ में क्या है, गेस करो गेस करो, कल दिखाया था, बताया था, बताओ 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 बताओ, बताती हूँ मैं थोड़ी देर में, बताती हूँ, कट हो रहा है। में है क्या, गोंदूरा जी, चलो अभी खाती हूँ क्योंकि उसके बाद जाके मुझे काम भी करना है, बाय। मिताली के साथ ब्लू इंक में गई थी ना, तो ये वाला टॉप मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मिताली ने मुझे चॉइस करके दिया था और बोल रही थी कि मेरे पे बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला, ठीक है। और फिफी ने देखो उसमें क्या कर दिया, पूरा कट कर दिया इसने, ये देखो मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, इतना बुरा लग रहा है, ये देखो यहाँ पे, ये 1100 रुपीज़ का था, ये सिंपल सा टॉप था, बट मैंने बहुत सोच के लिया था। यहाँ पे एक जगह पे बड़ा कट है, यहाँ पे एक जगह पे बड़ा कट है, आई डोंट नो कैसे पहनूँगी, बट मुझे बहुत एक्सट्रीम बुरा लग रहा है, मतलब क्या बताऊँ, मतलब समझ ही सकते उनको क्या बोलूँ। और ठीक है कोई बात नहीं, उस शर्ट का बटन जो उसने कट किया था, मतलब एक हफ्ता भी नहीं हुआ था लेकर आने के बाद, पूरा खराब कर दिया फिफी ने। लेकिन निश्चित तौर पर जो अटेम्प्ट उनका काउंट नहीं हुआ एशियन गेम्स 85 से ज्यादा का था। पिताजी ने स्पोर्ट्स में भेजा था नीरज को ताकि थोड़ा वजन कम कर लीजिए, पर जो भाले में ये वजन डालते हैं ना, जो थ्रो में, वो कमाल होता है। पतो क्या बात है, ओ हो हो हो, 85 मुझे मैगी पसंद है मेरे हाथ का, जिसमें मैं टमाटर प्याज डालती हूँ, और साथ में मम्मी के हाथ का, वो भी ड्राई ड्राई होता है, थोड़ा सा नूडल्स टाइप का बनाती है मम्मी, अच्छा बनाती है। सो आप सबको पता है कि आज मेरा कपड़ा फिफी ने फाड़ डाला, एंड देन मैं थोड़ी देर के लिए ऐसी बैठी हुई थी कि
क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा ऐसा क्यों, ये वो सोच रही थी, क्योंकि वो मैंने लास्ट वीक ही लिया था एंड मैं मोस्टली टॉप्स या फिर कुछ भी ऐसे कपड़े मैं इतना ब्रांडेड नहीं खरीदती हूँ, मतलब मैं खरीदती हूँ, मैं कोई नॉमिनल ब्रांड से खरीदती हूँ, बट दिस वॉज फ्रॉम अ वेरी गुड ब्रांड, सो आई वाज फीलिंग बैड, बट देन आई रियलाइज कि यार छोटी है, अगर हमारे घर में कोई बच्चे ऐसा कर देते, छोटे छोटे बच्चे, तो क्या मैं उस पैसा, मतलब क्या मैं इसे जस्टिफाई कर सकती, नहीं ना, तो ये भी तो एक छोटी सी बच्ची है, सो ये कैसे समझेगी, देन मुझे भी सही लग रहा है एंड ये भी आके बैठ गई मेरी गोदी में, ऐसे मुझे ऐसा लगता है इसे भी समझ आ गया है कि उसने गलती किया है, आई डोंट नो क्या है, भगवान को ही पता है कि क्या चल रहा है उसके माइंड पे, बट मेरे माइंड पे तो यही चल रहा है कि लेट इट गो, जो हुआ हुआ, कपड़े फिर से आ जाएंगे, बट ये मेरी जो प्यारी बच्ची है, ये तो मेरी प्यारी बच्ची ही है, जखल। अब इसके साथ थोड़ा सा खेलूंगी, देखो फिफी कितनी क्यूट लग रही है, और ध्वनि ने आज का वीडियो देखा, सो मतलब आज का वीडियो मतलब आज ही मैंने अपलोड किया, जो इनका गिफ्ट्स अनपैकिंग वाला वीडियो है वो उन्होंने देखा एंड शी गॉट इमोशनल आफ्टर सीइंग दैट, एंड यू नो जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी व्हेन आई वाज इमोशनल, आई डोंट नो क्यों, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनका खुशी देख के एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। आपको पता है कोला मेरे लाइफ में कैसे आई, कोरोना हुआ था मुझे, उससे कुछ दिन पहले मैंने साई बाबा को बोला था, बाबा आप मेरे लिए एक डॉग भेजो, मुझे हमेशा डॉग चाहिए था, जो भी मेरे नियर एंड डियर थे उनको पता है मैं हमेशा डॉग के लिए जिद करती थी कि मुझे डॉग चाहिए, डॉग चाहिए, डॉग चाहिए, एंड आई यूज टू ऑलवेज आस्क देम फॉर पग, मुझे पग बहुत ज़्यादा पसंद थे, स्पेशलिटी ये था क्योंकि वो बहुत क्यूट है, बट एक दिन अचानक से मैं साई बाबा के साथ बातें कर रही थी एंड आई आस्क देम कि बाबा आप मुझे, आप अपना एक साथी मुझे भेजो, मतलब मुझे डॉग भेजो और आप ही भेजना, सोचो मैंने आज पूजा किया और 3 से 4 दिन बाद मुझे और मेरे फैमिली को कोरोना हो गया, बस मम्मी और बड़े भाई बस ठीक थे एंड तभी मम्मी एक दिन दरवाज़ा खोलती है एंड दरवाज़ा खोलने के बाद एक छोटी सी एक बच्ची वहाँ पर बैठी हुई रहती है एंड शी वॉज कोला, मम्मी ने उसको कि बहुत ज़्यादा बारिश चल रहा था एंड हम सब लोग बीमार थे, सो मम्मी को ये लगा, मतलब देखो मम्मी को मैंने कभी नहीं कहा था कि मैंने भगवान से डॉग मांगा, मैं कभी भी जो मांगती हूँ भगवान से मैं किसी को नहीं बोलती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, किसी को भी नहीं, मैं अपने आप में और भगवान के अंदर ही वो कन्वर्सेशन रखती हूँ, सो मम्मी के माइंड पे ये आया कि पता नहीं कौन से रूप में कौन आ जाते हैं, मैं इसको दूध और बिस्किट दे देती हूँ, शायद रात का टाइम था, तो ये पहले तो मम्मी को देख के, मतलब कोला तो पहले मम्मी को देख के डर के चली गई, फिर मम्मी ने बुलाया एंड देन मम्मी ने उसको सामने हम जो रेंट हाउस के जो पैसेज था वहाँ पर मम्मी ने उनको बैठने दिया, मतलब कोला को बैठने के लिए दिया एंड उसके बाद हम ठीक हुए, कोला वहीं पर रहती थी, कोला हर एक के घर में जाती थी, बट आई डोंट नो कैसे कब और कौन सा वे से कोला मेरे जीवन में इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई कि उसके बाद हम जब वहाँ से शिफ्ट हुए, पहले हमारा यही प्लान था कि हम कोला को लेकर नहीं आएंगे, कोला क्योंकि यहाँ पे मुर्गी के अटैक करती थी और यहाँ पे से बंद रखने से बेटर है वो गोल घर में रहे तो अच्छा है, देन हमें कहीं से तो पता चला कि फ्यू ऑफ द पीपल फ्रॉम द कॉलोनी वे आर प्लानिंग टू ड्रॉप कोला इन जंगल, तो हमें लगा नहीं ये पाप तो जानते हुए नहीं कर सकते हैं, उससे बेटर है हमारे साथ ही रहे, ठीक है बांध के रखेंगे, फिर जंगल में जाके पता नहीं ना क्या हो जाएगा, एंड पहले भी उसी कॉलोनी में किसी ने डॉग को जंगल में फेंक कर आए थे, तो उसके बाद हमने सोचा नहीं कोला को लेकर आएंगे एंड तब, और उसी बीच कोला प्रेग्नेंट हो गए, उसका 10 बेबीज हुए उसके अंदर, कुछ डेथ हो गया, कुछ चले गए यहाँ वहाँ एंड उसके बाद फीफी भी चली गई थी एंड अचानक से एक दिन फीफी मुझे मिल जाती है, तो हर कोई यही बोलते हैं कि इसका लक में था, मैं ये बोलती मेरे लक में फीफी थी एंड फीफी बहुत समझदार है, कोला से भी समझदार है, बहुत समझती है बातें को, कोला भी समझती है बट अगर मैच्योरिटी देखो तो फीफी का ज़्यादा मैच्योरिटी है, बहुत बातें कर लिया बट ठीक है, लिवाइस का मैंने शर्ट किया तो कोई बात नहीं, और 2 लिवाइस की शर्ट आ जाएंगे मुझे पता है।
और जो भी लोग मुझे गिफ्ट करोगे ना, मुझे लिवाइस का ही शर्ट देना, ठीक है, जो फिफी ने काटा। जैसे आपको बोल रही थी ना, घर का चॉपर बोर्ड खराब हो गया। आज मतलब ये हमने कितना दिन यूज़ किया, 1.5 साल तक यूज़ किया होगा। अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करने बैठूँ ना, तो हमने 1 साल यूज़ किया होगा, क्योंकि मैं ही चॉपर बोर्ड यूज़ करती हूँ। मेरे मम्मी तो चाकू मम्मी यूज़ नहीं कर सकते, मम्मी बोट यूज़ करती है। सो वो ख़राब हो गया कम्प्लीटली। एक्चुअली वो धोने, उसको रखने का भी एक तरीका होता है, और हमारी जो दीदी थी उन्होंने रखा नहीं था सही से, बट दैट्स ओके, जो भी है अभी है। अभी नया मंगवा लिया है, एंड दिस टाइम इट इज़ नॉट राउंड इन शेप। गेस कर भाई कैसा शेप होगा। भाई ने बोला रेक्टेंगल, देखते हैं अभी आप लोग गेस करो क्या होगा। इट इज़ नॉट रेक्टेंगल ऑल्सो, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इट इज़ काइंड ऑफ प्लेटर। भाई ने कहाँ पे देखा है, फोटोज़ में देखा होगा, उसने नहीं देखा होगा ऐसा टाइप का। प्लेटर टाइप का है एक्चुअली, इसे हम एज ए प्लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। भाई बोल रहे पबजी का पैन का जैसा दिख रहा है, तो ये देखिए ये है पोस्टर, पीछे पोस्टर देखो। तो भाई अभी ओपन कर रहा है। अच्छा कोस्टर दिया मुझे, सुनाई दिया पोस्टर दिया मुझे। अरे ये देखिए दे ना, छोटा मोटा कुछ काट रहा है। ना 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 बाबा, ये कोस्टर है, गुलो टी कोस्टर। अरे टी कोस्टर देख सकते हैं एबिलिटी ना। अरे गिफ्ट सीलो है बाबा। सो ये मुझे भी याद नहीं था, मतलब मैंने देखा ही नहीं था इसको। मुझे कोस्टर भी मिला है, जो पोस्टर ना बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। हाँ बाबू पोस्टर है ये। अरे बाबू पोस्टर नहीं है। हाँ बाबू दिखाओ, यहाँ पे रख के दिखाओ भाई। तो नानी नया फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए, नया सिम का इस्तेमाल करते हुए। और ये देखो इस बार द शेप इज़ काइंड ऑफ लाइक दिस। एंड इस बार ना ये वुड अच्छा है, मैंने लास्ट टाइम जो वुड था ना वो उसके, ये भी है वैसे, यहाँ से पार्टीशन, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो मम्मी को दिखाती हूँ। मम्मो ये हमारा नया को चॉप बोर्ड कैसा है। न्यू कुकिंग चैनल शुरू किया ना, उसमें अच्छा लगता है आस पास थोड़ा सा होने से मस्त लगेगा। ये देखो और ये देखिए, ये लास्ट वाले का सीन कुछ ऐसा हुआ था, बट स्टिल वी वर यूजिंग दिस। अब नहीं करूँगी, मतलब ये रख दूँगी, कुछ ना कुछ काम तो आ ही जाएगा। अच्छा वुड था ये भी, बट वही पानी लगते लगते यहाँ से निकल गया था दोनों साइड से। और ये हमें ना पेंट करवाना है फिर से, क्योंकि यहाँ पे दाग आ गया है ऑलरेडी। अभी यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रखने से यहाँ पे लग जाएगा, सो बेटर ऊपर वाले में रखना पड़ेगा। सो ये यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ दो ऐसा मम्मी का ढाबा सा लिखा हुआ ऐसा सुंदर सा मिलता है वो रखूँगी यहाँ पे, दो ऐसा मतलब किचन होम डेकोर्स ये मंगवाऊँगी और यहाँ पे रखूँगी। यहाँ पे ना ये सब चीज़ रखने से बहुत ख़राब हो जाएगा, तो ये अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे, है ना। सारे ब्लॉग बहुत जल्दी जल्दी एडिट करके अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा है कि दुर्गा पूजा के पहले मेरा जो पेंडिंग ब्लॉग्स है जल्दी जल्दी अपलोड हो जाए, ताकि मैं दुर्गा पूजा का जो भी सारा हमारा कंटेंट है मैं जल्दी दे पाऊँगी और मेरा फ़ोन का स्पेस भी क्लियर हो जाए। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं मिलते मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।